गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी थियरी जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड वी लर्न दैट लार्ज स्केल ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपन अर्लियर इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर ऑन द सीन्स। तो फॉसिल का जो रिकॉर्ड मिला है उसके थ्रू ऐसा पता चला है कि अर्थ पे जो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी हिस्ट्री की स्टडी की गई है एंड उसमें से उसकी हिस्ट्री की स्टडी से ऐसा पता चला है कि अर्थ पे जो स्पीसीज थे लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसमें से कई सारी स्पीसीज जो है वो लॉस हो गई है एंड इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है मीन्स ह्यूमन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसा माना जाता है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड लाइक ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एग्जिशन ऑफ स्पीसीज। लॉन्ग टाइम के बाद जैसे कि ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर पहले जब मीन्स जब से अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज हुई है तब से वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन मीन्स इसमें कई सारी स्पीसीज जो है वो देखी गई है एंड तब से लेके आज तक 5 times ये सभी स्पीसीज जो है वो लॉस हो गई है एंड दैट इज कॉल्ड मास एग्जिशन ऑफ स्पीसीज। हाउ इज द 6th एग्जिशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। द डिफरेंस इज इन द रेट्स। द करंट स्पीसीज एग्जिशन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than in the pre-human times and our activities are responsible for the faster rate। तो अभी जो एग्जिशन हो रहा है स्पीसीज एग्जिशन हो रही है वो 6 नंबर पे क्योंकि पहले 5 times ये स्पीसीज एग्जिशन हो गया है। अभी जो स्टार्ट है वो करंटली जो है वो 6 time पे होने वाला है मीन्स कंटिन्यू हो रहा है एंड इससे भी कई सारी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन ये जो अभी जो 6 time का जो स्पीसीज एग्जिशन है वो पहले जो 5 times हुआ है इससे फास्टर है जैसे कि 100 to 1000 times उससे फास्टर है एंड ये जो स्पीसीज एग्जिशन हो रहा है इसके लिए ह्यूमन स्पीसीज जो है मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज से ये जो स्पीसीज एग्जिशन जो है वो फास्टर हो रहा है। इकोलॉजिस्ट वॉर्न दैट इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 years। इकोलॉजिस्ट जो है उन लोगों ने वॉर्न किया है कि अगर ऐसे ही स्पीसीज एग्जिशन होता रहा तो पास्ट में ये जो स्पीसीज है वो शायद हाफ से भी ज़्यादा लॉस हो जाएगी एंड इसके लिए शायद 100 years में तो ये सारी स्पीसीज जो है वो ख़त्म भी हो जाएगी। जो अभी स्पीसीज है उसमें से सिर्फ 50% स्पीसीज ही अराइज होगी बाकी की एग्जिट हो जाएंगी लाइक लॉस हो जाएगी। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल परचर्बेशन सच एज अ ड्राफ्ट एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज अ प्लांट प्रोडक्टिविटी वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिसीज साइकल्स एंड इसके लिए जनरल जो एक्टिविटीज है वो कोई भी एक एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है कोई एक सपोज मान लो कोई एक एरिया है उसमें बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो गई है एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो क्या है तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया है क्योंकि सिर्फ
प्लांट कट करने पे ही फोकस हो रहा है देन लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल परसिब्रेशन सच एज अ ड्राफ्ट एक्सेट्रा. तो ड्राफ्ट हो रहा है एनवायरमेंट में, इससे भी सॉइल पे इफेक्ट हो रही है एंड प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं हो रहे. दैन इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज अ प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड नेक्स्ट जो है फैक्टर वो प्लांट जो प्रोडक्शन हो रहा है एंड इसके लिए जो वाटर यूज़ हो रहा है. दैन कई सारे पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स जो है वो उसका यूजेस हो रहा है एंड इससे कई सारे डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं एंड इसकी इफ़ेक्ट्स क्या किस पे हो रही है तो इकोसिस्टम पे हो रही है एंड इकोसिस्टम लॉस होने के लिए यही सारे फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. नाउ नेक्स्ट जो है वो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के लिए कई सारे फैक्टर मीन्स कॉजेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. Accelerated rates of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities. तो यहाँ पे जो species loss हो रही है, extinction हो रहा है species का and उसका rate जो है वो पूरे world पे उसकी effect हो रही है. Means पूरा world जो है उसको face कर रहा है. ये जो problem हुई है किससे, तो स्पीसीज एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम्स को पूरा वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है. लेकिन इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वही रिस्पॉन्सिबल है. देर आर फोर मेजर कॉजेज लाइक यूज टू डिस्क्राइब देम. द एविल क्वार्टेट इज द सर्किट. तो साइंटिस्ट ने उसको द एविल क्वार्टेट नेम दिया है. दी एविल क्वार्टेट. स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है तो हमें ये जो सेंटेंस है उसको फोकस करना चाहिए. तो यहाँ पे फोर मेजर केसेस जो है वो हम लोग लर्न करेंगे. नाउ फर्स्ट वन हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. पहला जो है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे ये जो कॉजेस है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इसके लिए ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो मोस्ट ड्रामेटिकल एग्जाम्पल है. Once covering more than 14% of the earth land surface, this rainforest now cover no more than 6%. तो पहले 14% earth पे earth के land surface पे 14% rainforest थे, वो अभी loss होके फिर सिर्फ कितने हो गए, तो ओनली 6% हो गई है. देर आर बींग डिस्ट्रॉय फास्ट. ये फास्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है. बाई द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 मोर हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट. तो ये जो रेन फॉरेस्ट है वो फास्टर लॉस हो रहे हैं अगर हम लोग ये चैप्टर रीड करना स्टार्ट करेंगे एंड वो फिनिश हो जाएगा तब तक तो 1000 से भी ज़्यादा हेक्टर में रेन फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे. द अमेजन रेन फॉरेस्ट इट इज़ सो हक्ड दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लैनेट हार्बोरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज़ बीइंग कट एंड क्लियर फॉर cultivating soybeans or for conversion to grassland for raising beef cattle. तो इसका एक example है कि Amazon rainforest जो है उसको earth के lungs के name से भी जाना जाता है क्योंकि earth पे जो total oxygen release होता है उसमें से 21% oxygen जो है वो Amazon rainforest से ही release होता है. So that is called lungs of the planet. एंड उसके अलावा सोयाबीन्स की फार्मिंग करने के लिए भी वहाँ के रेन फॉरेस्ट जो है
उसको ख़त्म कर दिया गया है। एंड कई सारे कैटल्स जो है, कैटल्स बीफ के लिए भी ये ग्रास लैंड जो है उसको लॉस किया गया है, इसलिए वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको कैटल बीफ के लिए ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। बिसाइड टोटल लॉस दी डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशंस ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। तो इसमें से कई सारे जो एरियाज है जो लॉस हो गई है उसके लिए पॉल्यूशन भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमें पता है कि कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज बन गई है एंड उसमें से कई सारे केमिकल्स रिलीज होता है एंड इसकी इफ़ेक्ट प्लांट्स पे होंगी, इसलिए कई सारी स्पीसीज पॉल्यूशन से भी लॉस हो गई है। When large habitats are broken up into small fragment due to various human activities and कई सारे जो areas है means mostly areas जो है वो human activities के लिए भी loss हो गई है, इन small fragment में वो loss हो गई है। जैसे कि हमें पता है कि suppose कोई area में कुछ concrete building बनानी है तो उसके लिए वहाँ के forest जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, इसलिए कई सारी species जो है wild species new species आती है वो loss हो जाती है। and इस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज एंड मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटोरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। एंड ये जो फॉरेस्ट जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे एंड इसकी इफ़ेक्ट बर्ड एंड एनिमल्स पे भी होती है, वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल्स पे होगी, क्योंकि उन लोगों की जो उन लोगों को जो चाहिए फूड चाहिए वो सब नहीं मिलता है, मीन्स बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है ये बर्ड्स एंड एनिमल्स को, इसलिए वो लोग माइग्रेट हो जाते हैं, मीन्स दूसरे एरिया में चले जाते हैं, इस तरह भी स्पीसीज जो है वो लॉस हो जाएगी। तो इसी तरह हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन होगा एंड इसकी इफ़ेक्ट ऑर्गेनिज्म पे होगी।